हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 10 का बुक वर्क पढ़ेंगे। आप जानते हैं सर्किल द ऑड आउट, आपने जैसे कि ये चैप्टर पढ़ा हुआ है तो आप इसमें से ऑड नंबर को बता सकते हैं। जैसे आपने पढ़ा था सॉलिड, लिक्विड और गैसेस के बारे में, तो आपसे इस बुक वर्क में यही पूछा जाएगा। देखिए, आप फर्स्ट क्वेश्चन सर्किल द ऑड वन आउट, जूस, चॉकलेट, मिल्क, वाटर, आप इन सब में से ऑड जो वर्ड है उसको सर्किल करेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जूस जो है वो लिक्विड स्टेट में होता है, मिल्क लिक्विड स्टेट में होता है और वाटर भी लिक्विड स्टेट में होता है। जो आपकी चॉकलेट है ये होती है सॉलिड स्टेट में। ऐसे ही सेकंड पॉइंट देखिए, जो आपकी स्टीम है वो गैसियस स्टेट में होती है और ऑक्सीजन भी गैसियस स्टेट में होती है और नाइट्रोजन भी गैसियस स्टेट में होती है। और जो आपका आइस है ये आपका कौन से स्टेट में होता है, सॉलिड स्टेट में। अब आप यहाँ पे देखिए थर्ड, पेन, सोडा, ब्लड एंड टी, ये आपके जो सोडा होता है वो भी वाटर में होता है, ब्लड भी वाटर स्टेट में और टी भी वाटर स्टेट में। क्या पेन वाटर स्टेट में होता है? नहीं, वो होता है आपका सॉलिड स्टेट में। अब देखिए आप बी पार्ट, आंसर इन अ वर्ड, आप इन सबके आंसर एक वर्ड में दीजिए। इट डज नॉट हैव ए डेफिनेट शेप बट इज विजिबल, ऐसी कौन सी चीज़ है जिसकी डेफिनेट शेप तो है नहीं बट वो आप अपनी आंखों से देख सकते हो। ऐसा क्या होता है? लिक्विड, क्योंकि गैस को तो आप देख नहीं सकते, तो इस वजह से इसका आंसर हो जाएगा आपका लिक्विड। यहाँ पे देखिए सेकेंड पार्ट में, इट कैन फ्लो एंड कैन नॉट बी सीन, जो बहती है पर दिखाई नहीं देती, ऐसी क्या चीज़ है? एयर, आप देख सकते हैं AIR, एयर। जो फ्लो तो होती है, जैसे आप अपने आसपास देख रहे हो एयर फ्लो तो हो रही है पर आप उसको देख नहीं पा रहे हैं। थर्ड है आपका, इट इज़ ए गैस दैट इज़ फॉर्म्ड व्हेन वी कुक दाल, वो गैस ऐसी क्या होती है जो गैस के रूप में होती है जब हम दाल कुक करते हैं तब क्या निकलती है? स्टीम। आपने देखा होगा जब आप कुकर में दाल बनाते हो तो जब उसकी सीटी बजती है तो क्या निकलती है? स्टीम निकलती है उसमें से। अब नेक्स्ट है, इट इज़ अ लिक्विड दैट यू यूज टू रन ए व्हीकल, VEHICLE, व्हीकल, व्हीकल मतलब आप कोई भी गाड़ी या बाइक चलाते हैं वो आपका व्हीकल कहलाता है। इट इज़ अ लिक्विड दैट यू यूज़, ऐसा कौन सा लिक्विड है जिसको आप व्हीकल को चलाने में यूज़ करते हैं, वो क्या है आपका? पेट्रोल। अब फिफ्थ पॉइंट देखिए, इट इज़ द चेंज दैट मेक ए लिट कैंडल बिकम स्मॉलर, जो आप कभी आपने कैंडल जलाई होगी तो जब आप उसको जलाते हैं तो वो कैंडल छोटी होती चली जाती है, तो आप देखते हैं कि वो चेंज कौन सा है, केमिकल चेंज या फिज़िकल चेंज, कैंडल का छोटा होना। अगर आप देखते हो कि उसका मेल्ट होना, मोम का पिघलना, तो ये सब भी आपका फिज़िकल चेंज है। ठीक है, ये हो गया आपका फिज़िकल चेंज, इन सबको आप ध्यान से लिख लेना। अब आइए नेक्स्ट पेज पे, आपको ये सॉलिड, लिक्विड और गैस के जो हैं ये पॉइंट दिए हुए हैं, आपको इनको कैटेगराइज करना है। जैसे कि अल्कोहल है वो आपका लिक्विड की कैटेगरी में चला जाएगा, जो चिकन है आपका वो सॉलिड की कैटेगरी में चला जाएगा और हनी आपका सॉलिड की कैटेगरी लिक्विड की कैटेगरी में जाएगा और हेयर ऑयल आपका लिक्विड्स की कैटेगरी में जाएगा, बनाना भी सॉलिड में जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड आपका गैसियस में जाएगा, पेट्रोल कहे में, पेट्रोल बताइए आप किस में जाएगा? लिक्विड्स में, और सॉल्ट जाएगा आपका सॉलिड्स में। और आप ये देखिए शैम्पू, शैम्पू किस में जाएगा आपका? वो जाएगा लिक्विड में। ऐसे ही नाइट्रोजन गैस में, ब्रेड सॉलिड में, ऑक्सीजन गैस में, चेयर आपका सॉलिड में जाएगा, ऐसे ही हैमर आपका सॉलिड में जाएगा। ठीक है, और अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे, व्हेन यू लाइट एन इंसेंस स्टिक, मतलब अगर आप अगरबत्ती को जलाते हैं अपने रूम में
इट सेंड्स स्प्रेड्स टू अदर रूम्स इन द हाउस वाइब। आप देखते हैं कि आपने अपने पूजा घर में अगरबत्ती जलाई या किसी एक रूम में अगरबत्ती जलाई, तो आप देखते हैं कि दूसरे रूम तक या उसके आसपास के एरिए में जो होती है उसकी स्मेल चली जाती है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बिकॉज द एयर फ्लोज, क्योंकि एयर जो होती है वो बहती है टू द अदर रूम्स तक जाती है, बहकर कैरीज द सेंट, और उसकी जो स्मेल होती है उसको लेकर जाती है। अब आप अपना बुक वर्क अच्छे से फिल कीजिएगा अपनी बुक में, और जिसका फिल हुआ है वो अपना चेक कर ले ध्यान से बिल्कुल, और उसके बाद आप अपना ध्यान से याद कर ले इसको। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।